मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी। पंडित का मतलब होता है जो बिल्कुल जीवात्माओं के लिए अपने जीवन को समर्पित किया हो। और जीवात्मा के प्रति समर्पित का मतलब है कि अपनी आत्मा की तरह सारे जीव जंतुओं को सम्मान करना, प्रेम करना, करुणा और दया के प्रवाह में बह जाना। लेकिन जब बात होती है करुणा, दया और प्रेम का प्रवाह, तो हमारे बहुत सारे संबंध होते हैं, लेकिन एक संबंध ऐसा है जिसे हम माँ बोलते हैं। और माँ के कोख में हम मनुष्य जाति 9 महीनों तक पलते हैं और फिर हम जन्म लेते हैं। और जब हम जन्म लेते हैं तो भी माँ हमसे दूर नहीं होती। उसकी ममता, उसकी करुणा, उसके देखभाल, उसका स्नेह बिल्कुल आत्मा की तरह ही अपने बच्चों को, बेटी और बेटों को पालती है। और माँ का मतलब केवल मनुष्य जाति से नहीं है, हर माँ, जितने भी हमारे जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, सब में वो ममता समान ही होती है। एक गाय हो भी अपने बछड़ों के लिए, एक भैंस हो भी अपने बच्चे के लिए, एक जिराफ हो भी अपने बच्चे के लिए, एक शेर हो, शेरनी हो, वो भी अपने बच्चे के लिए, जितने भी जीव जंतु हैं अपने बच्चे के लिए अपनी कुर्बानी तक कर सकते हैं। मैं बहुत सारे डिस्कवरी चैनल और नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देखा हूँ, जिसमें देखते हैं कि जब जिराफ के बच्चे को कोई चीता मार के खाने लगता है, या कोई हाथी के बच्चे को कोई शेर खाने की कोशिश करता है, तो उसकी माँ आती है और अपनी ज़िंदगी तक अपने बच्चे को बचाने में कुर्बान कर देती है। जीवन का कोई महत्व नहीं होता है प्रेम के बिना। इतनी गहराई का प्रेम, इतनी बड़ी ममता केवल माँ में होती है मेरे दोस्त, या हमारे जैसे जो गौतम सिद्धार्थ के प्रतिरूप हैं पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी, अपने सारे जीव जंतुओं को अपनी आत्मा की तरफ प्यार करते हैं। ये बड़े सौभाग्य से इस ज्ञान की प्राप्ति होती है। साधारण मनुष्य तो स्वार्थी होता है, लोभी होता है, लालची होता है, कामी होता है, क्रोधी होता है, वो नरपिशाच होता है, वो जंगली जानवर होता है, वो शेर शियार लोमड़ी गिद्ध होता है, वो चिल्ल होता है, बाज होता है, वो खून का प्यासा होता है, दरिंदा होता है। अपने शक्ति के बदौलत नकारात्मक शक्ति, रावण, दुर्योधन, दुष्ट, दुशासन की तरह माताओं का चीरहरण करता है, माताओं का अपहरण करता है, लोभी लालची। लेकिन हमारे तरह जो शुद्ध प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, जिनमें करुणा होती है, दया होता है, प्रेम होता है, प्रभाव होता है, अपनी ज़िंदगी के एक एक क्षण, अपने शरीर के एक एक कण, हर जीव जंतुओं, मनुष्य को भी उसे मिला के उसके कल्याण के लिए हम सब कुर्बानी देने को तैयार होते हैं। क्योंकि यही तो पंडित होता है ना, बहुत ही परिपर जगमुहा पंडित भैया ने कोई 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। प्यारे दोस्तों, मातृवत परदारेशु पर दर्वेशु लोष्टवत आत्म सर्वभूतेशु यह पश्चति स्व पंडिता। हमने सारे ज्ञान को मंथन किया, चिंतन किया और बुद्ध से सीखा, समझा और सोचा, तो बुद्ध ने यही कहा कि जो व्यक्ति अपनी आत्मा की तरह हर जीवात्माओं को प्रेम करता हो और हर जीवात्मा में अपनी आत्मा को और उनकी आत्माएं में अपनी आत्मा को मिला हुआ पाता है, हम सब जुड़े हुए हैं। प्यारे दोस्तों, मैं बहुत सौभाग्यशाली था, बचपन से ही मुझ में भावना थी। जो आप मेरे वीडियो सुन रहे होंगे, आपकी भावना और मेरी भावना एक है। आपका दुख मेरा दुख है, आपका सुख मेरा सुख है। इसीलिए मैं मन वचन कर्म से कभी भी किसी का दुखी नहीं करने की कोशिश करता हूँ। वाणी तो अनमोल है, जो क्यों जाने बोल, क्योंकि वाणी ही एक ऐसी है जो कि तलवार से ज़्यादा तीखती होती है। फिर हमारे व्यवहार केवल मनुष्य के लिए नहीं, याद रखिए मैं इनलाइटेंड बुद्धा का प्रतिरूप हूँ। हर जीव जंतु भूखे, प्यासे, खास के कुत्ते, बाकी तो जीव जंतु को जीव जंतु खा जाते हैं। मनुष्य तो इतना नालायक है कि जितने भी कमजोर जीव जंतु हैं उनकी मार की हत्या करके खाते हैं। उसमें निर्दयता है, क्रूरता है, वो जंगली जानवर से भी घटिया है। उसके विचार पाशविक प्रवृत्ति से जुड़े हुए हैं। करुणा है का, दया है का, प्रेम है का। सीखा होता मेरी तरह
जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ। प्यारे दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, सल्यूट करता हूँ कि सेल्फी में वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए दोनों हाथ से आपका सत्नमन नहीं कर सकता। ज्ञानवान बनो, विचारवान बनो, बुद्धवान बनो, सत्यवान बनो, करुणा में बनो। जितने भी हम जन्मे हैं एक दिन चले जाएंगे। ये नफरत नाराज़गी की जो गंदी दीवार है राहु केतु की तरह ग्रहण लगा के रखा है, इस जंजीरों को तोड़ के बाहर आओ। ये दुनिया तुम्हारी है, ये पृथ्वी तुम्हारा है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से, सर्वे बंधु सुखिना की भावना से, आत्मसर्वभूतेषु की भावना पैदा करो। और ये तभी होगा जब माँ की तरह तेरे ममता होगी। ए माँ, मैं ढूंढूं तुझे कहाँ, माँ की ममता कौन दे सकता है। मैं माँ हूँ तुम सबों का, मैं पिता नहीं केवल माँ, सबके पास, मनुष्य का, जीव जंतु पशु पक्षी, मैं माँ हूँ, ममता है माँ का मुझ में, सुधर जाए। क्यों क्रूरता, क्यों दुश्मनी, क्यों ईर्ष्या, लोग लालच के जंजीरों में जकड़े हुए। जागो, माँ बनो, जन्म भले नहीं दिया हो, ममता वही हो बुद्ध का, आत्मसर्वभूतेषु। धन्यवाद।